ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। खुश रहना परमात्म संतान का अधिकार है। सोच लें, यदि भगवान के बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो भला इस संसार में कौन खुश रहेगा। जिनका प्रभु मिलन हुआ, जिनका श्रृंगार स्वयं भगवान ने किया, जिनको आँख खुलते ही भगवान से मिलन होता है, जिनका भगवान पर अधिकार हो गया, वे ही यदि खुश नहीं रहेंगे तो भला कौन खुश रहेगा। सोचो, जिनके द्वार पर स्वर्ग की बादशाही खड़ी हो, भगवान जिनके सम्मुख ताज और तिलक लेकर विराजमान हो, स्वयं भगवान वरदान देने के लिए जिनका आह्वान कर रहे हों, वही यदि खुश नहीं होंगे तो भला कौन खुश होगा। तो आइए हम खुशी से अपने जीवन का श्रृंगार करें। खुशी जो हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है, खुशी जो सबसे बड़ी खुराक है, जो संपूर्ण स्वास्थ्य का राज है, जिससे वातावरण में खुशबू फैल जाती है, जिससे सेवाओं में सरलता आ जाती है, ऐसी खुशी को हम अपना जीवन का अविनाशी अंग बना लें। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, जाने वाली बातों से अपनी खुशी को क्यों नष्ट करें। देखिए, दूसरों की बातों का महत्व ही कितना होता है। जरा अगर गहराई से चिंतन करें तो जो व्यवहार दूसरे लोग करते हैं या जो बोल वो बोलते हैं, वो तो मूल्यहीन है। उन मूल्यहीन बातों के कारण हम अपनी मूल्यवान खुशी को क्यों नष्ट कर दें। इसलिए अपने विचारों को जरा ऊपर उठा दें, अपनी महानताओं की ओर आगे चलें, और ये छोटापन, ये सेंसिटिव नेचर, ये फीलिंग आने की आदत, ये छोटी बातों पर मूड ऑफ हो जाना, इससे जरा ऊपर उठ जाएं। हम महान हैं, हमें महान कार्य करने हैं, हम कोई छोटे नहीं हैं। देश का भी कोई बड़ा नेता हो, वो छोटी बातों में नहीं रहता। सोचो, प्राइम मिनिस्टर जिसको बड़े बड़े कार्य करने हैं, वो यदि फीलिंग में रहे तो वो बड़े बड़े कार्य कैसे करेगा, क्योंकि इन छोटी छोटी फीलिंग्स से उसकी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। हम तो सबसे बड़े हैं, हमें सबसे महान कार्य करने हैं, संसार का कल्याण करना है। हम पूर्वज हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, हम तो बाप समान हैं। हमारी खुशी का प्रभाव सारे संसार पर पड़ता है। हम यदि खुश रहते हैं तो संसार की अनेक आत्माएं खुश होंगी, सुखी हो जाएंगी, और यदि हमने खुशी खो दी तो उसका प्रभाव करोड़ों करोड़ों आत्माओं पर पड़ेगा। तो अपने को ऐसा रेस्पॉन्सिबल समझते हुए, ज्ञान के चिंतन के द्वारा अपनी खुशी की खुराक को बढ़ाते चलें। जितने सुंदर संकल्प हमारे मन में होंगे, उतना ही हमारा दृष्टिकोण ऊंचा होगा, और छोटी बातें हमें प्रभावित नहीं करेंगी। तो आज सारा दिन हम इस संकल्प से बहुत खुश रहेंगे, इस जीवन में मुझे किसका साथ मिला। खुशी और नशे से हमारा चेहरा सारा दिन चमकता रहे, और सारा दिन अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, अपने स्वरूप को निहारेंगे, फिर चारों ओर देखेंगे, संसार में करोड़ों करोड़ों आत्माएं, ज्योतियां हर एक के शरीर में चमक रही हैं। अब हम सभी को वापिस चलना है। मैं आत्मा
अपने भ्रकुटी सिंहासन को छोड़कर उड़ चली परम धाम में, पहुंच गई शांति के सागर के पास। उसकी शांति की तरंगे मुझ में समाने लगी। परमात्म शांति स्वयं में भरकर मैं आत्मा वापिस आई, भ्रकुटी की कुटिया में पुनः विराजमान, और मुझसे ये शांति की तरंगे चारों ओर फैलने लगी। संसार की सभी आत्माओं को शांति का दान मिलने लगा। यह अभ्यास हर घंटे में एक दो बार अवश्य करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।